हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बीएससी को पास करने का और बीएससी में 70 से 80% बनाने का एक सिंपल सा छोटा सा तरीका शेयर करने वाली हूँ। बस आपको ये बुक पूरी कर लेनी है और इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, ना कोई अलग से नोट्स, ना कोई अलग से आपकी सब्जेक्ट की बुक्स। सिर्फ आपको ये एक बुक करनी है और वो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये है आपकी बीएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक्स विद सॉल्यूशन, जिसमें आपके पूरे, चाहे तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का ले लो या फिर बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री का ले लो, उसमें आपको इसमें पूरे सॉल्यूशन मिल जाएंगे 5 साल के, ठीक है। और एक ये बुक है जो कि आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की विदाउट सॉल्यूशन, इसमें ओनली आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। ये दो बुक्स मेरे पास हैं। इन दो बुक्स को मैं आपको डिटेल में समझा देती हूँ कि इन बुक्स के अंदर किस तरीके से क्या चीज़ें दी हुई हैं। यदि आपने इन दोनों में से कोई भी एक बुक आप परचेस कर लेते हैं और केवल उस बुक को कर लेते हैं, देन आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये बुक्स आपके लिए एनफ है, ये आपको बीएससी में आराम से पास करवा देगी, 70 से 80% दिला देगी। सिर्फ ये बुक करनी है, नथिंग एल्स। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए दो बुक्स लेकर आई हूँ। एक है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सॉल्व बुक, ये जो मोटी वाली बुक है इसमें आपके पूरे प्रीवियस ईयर के 5 साल के क्वेश्चन मिलेंगे विद सॉल्यूशन। और ये पतली सी जो बुक है ये है आपकी अनसॉल्व पेपर्स की, यानी इसमें ओनली आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। अब यदि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी बुक लेना चाहते हैं। यदि आपको ओनली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए जिनसे आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्ज़ाम्स के अंदर, तो आप ये अनसॉल्व वाले पेपर की बुक खरीद सकते हैं। ये है कोटा यूनिवर्सिटी की बुक। इस तरीके से आपका जो भी यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का अनसॉल्व बुक खरीद सकते हैं। यहाँ पर इसका प्राइस 100 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन आपको 50-60 रुपये की इस तरीके से पतली सी बुक मिल जाएगी। आपका जो भी यूनिवर्सिटी है, बुक स्टोर पर आप जाइएगा, उस यूनिवर्सिटी के नेम के अकॉर्डिंग आप बोल दीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक दे दीजिए, अनसॉल्व पेपर वाली, ठीक है। अब इसमें देखिए, जैसे ये है इसमें पेपर 2018 से लेकर और लास्ट है इसमें 2014 तक। यहाँ पर ये 2014 के पेपर इसमें दिए हुए हैं, तो दो इस तरीके से आपको पिछले 4 या 5 साल के लिए एक बुक मिल जाएगी, जिससे इसको देख कर ना आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं पिछले सालों में। और फिर आप उसी पैटर्न पर जो भी आपके नोट्स हैं, बुक्स हैं, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, उनको जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं ना, उनको इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा। जैसे इसमें ना ये जो आप ये कोटा यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न दिया हुआ है, तो इसमें जिस टॉपिक से जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, उन टॉपिक को आपकी जो भी नोट्स बुक हैं उसमें टिक लगा लेने हैं और उनको ज़रूर कर लेना है, ठीक है। इसी तरीके से हम ये वाला बुक देखें, सॉल्व पेपर वाला, इसमें भी 2019 से 2014 का है, यानी इसमें आपको 5 साल के पेपर्स मिल जाएंगे। अब देखो, ये भले ही बुक पुरानी है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ओनली समझाने के लिए बुक्स लेकर आई हूँ कि इस तरीके की बुक्स आती है आपकी। चाहे अब देखो, यहाँ पर ये कोटा यूनिवर्सिटी है ना, तो आपका जो भी यूनिवर्सिटी है उसकी आपको सॉल्व पेपर और अनसॉल्व पेपर की बुक्स मिल जाती है। अभी सॉल्व पेपर की बुक है तो इसका प्राइस यहाँ पर 800 लिखा हुआ है, लेकिन ये 400-450 इस तरीके से आ जाती है ये बुक, ठीक है। अब यहाँ पर आप जैसे इसमें देखेंगे केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स तीनों का है इसमें, और ये भी मैथ्स की है, तो इसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों के 4-5 साल के पेपर दिए हुए हैं। जैसे ही आप इसको देखेंगे ना, तो इसमें पहले इन्होंने सिलेबस डाल दिया सारे सब्जेक्ट्स का, एंड देन पेपर स्टार्ट कर दिए। तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं। तो यानी यदि आपके पास नोट्स नहीं हैं, बुक्स नहीं हैं, कुछ भी बीएससी का मटेरियल नहीं है पढ़ने का, तब तो आप ये सॉल्यूशन वाली बुक परचेस करें, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिल जाएँ और सॉल्यूशन भी मिल जाए, ताकि आप सिर्फ इस बुक को पढ़ के आराम से अपना 70 से 80% बना सकते हो, यदि आपने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्व पेपर की बुक कर ली। ये बुक जिसने कर ली ना, उसके 70-80% कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से आपका 70% पेपर रिपीट होता है बीएससी के अंदर। यदि आपके पास ऑलरेडी स्टडी मटेरियल है, कंटेंट है,
नोट्स बुक वगैरह, तो आप सिर्फ पेपर्स की वाली बुक खरीदें ताकि आपको क्वेश्चन पता लग जाए। उन क्वेश्चन को आप अपने नोट्स में टिक लगा लीजिएगा, वहाँ से उन्हें करिएगा। और यदि आपके पास कुछ भी मटेरियल नहीं है तो आप फिर आप ये वाली बुक परचेज कर लें। आपको फिर अदर कोई भी बीएससी की अलग से केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स की अलग से बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। केवल इस एक बुक को पढ़ के आप अपनी पूरी बीएससी आसानी से क्लियर कर लोगे और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा क्योंकि इसमें सारे सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। आपको ओनली याद करने हैं जो समझने वाले टॉपिक्स हैं उनको आप यूट्यूब पर सर्च करके डायरेक्ट उन्हीं क्वेश्चंस को उन्हीं टॉपिक्स को समझ सकते हैं जिनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इस तरीके से ये दो बुक में से कोई सा भी एक बुक आप परचेज करके, जैसे मैंने बताया ना केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स, इसी तरीके से बायो के लिए भी आती है, जो आपका केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी है उनके लिए भी आपको इसी तरीके की बुक मिल जाएगी। ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बुक निकलती है, तो वो आप जो आपका स्टोर है स्टेशनरी स्टोर वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। और यदि आपको बुक नहीं मिलती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तो फिर आप गूगल या यूट्यूब से भी सर्च करके चेक कर सकते हैं आपकी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, क्योंकि बीएससी के अंदर आपके क्वेश्चंस प्रीवियस में से जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें से रिपीट होते हैं, इसलिए वो आपके पास होना ज़रूरी है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। इसमें देखो आपको इस तरीके से जो सॉल्यूशंस है वो मिलते हैं कि जैसे पहले 2019 का आपका मैथ का पेपर हो गया, मैथ के आपके तीन पेपर थे तो तीनों पेपरों के इसमें क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गए। फिर आपके फिजिक्स के पेपर स्टार्ट हो गए 2019 के ही, इसी तरीके से फिर केमिस्ट्री के, तो एक एक करके इन्होंने सारे ईयर्स कवर करके सारे क्वेश्चन के विद सॉल्यूशन आपको फिर मतलब जितना इसमें लिखा हुआ है ना उतना भी यदि आपने अच्छे से पढ़ लिया याद कर लिया और इसी तरीके से आप एग्ज़ाम में लिख कर आ गए तो भी आप बीएससी को आसानी से अच्छी परसेंटेज के साथ क्लियर कर लोगे। अब यहाँ पर ये 2019 के सारे ख़त्म होने के बाद इन्होंने 2018 का ले लिया। ये बुक्स मेरे पास पुरानी रखी हुई थी, केवल आपको दिखाने के लिए निकाली है, अदरवाइज आपको हमेशा लेटेस्ट बुक ही परचेस करनी चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, ताकि आपके पास जो लेटेस्ट पेपर है वो हो, ना कि ज़्यादा पुरानी बुक लोगे तो उसमें पुराने क्वेश्चंस होंगे, नया पैटर्न आपको पता नहीं चल पाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की हमेशा नई बुक परचेस करिएगा। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।